पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिक्षिका को वेतन वृद्धि न मिलने पर शिक्षिका के पति ने प्रिंसिपल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। शिक्षिका के पति शकील शेख को डोंबिवली GRP ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानाध्यापक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि सर्विस बुक में तफसील न होने पर शिक्षिका की वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से शिक्षक और प्रधानाध्यापक में हमेशा बहस होते रहती थी। इस बहस में शिक्षिका का पति भी कूद पड़ा। दीवा वसई रेलवे लाइन पर खरबाव रेलवे स्टेशन के पास शिक्षिका के पति ने प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में डोंबिवली GRP पुलिस ने शिक्षिका के पति शकील शेख को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खरबाव में एक स्कूल है। इस स्कूल में कार्यरत शिक्षिका मिनाज मकंदर शेख, मिनाज का नाम सर्विस बुक में दर्ज नहीं था, इसलिए उनकी पगार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। इसे लेकर मिनाज शेख और प्रिंसिपल भागवत गुरवा के बीच में हमेशा बहस होती रहती थी। कई बार अनुरोध करने के बावजूद मिनाज की बात नहीं मानी गई। उसने यह बात अपने पति को बताई, इससे वह नाराज हो गया। शिक्षिका के पति शकील शेख खरबाव रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के पास हेडमास्टर भागवत गुरु के पास पहुंचा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा यह कहते हुए उसने धारदार हथियार से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में प्रिंसिपल गुरुवा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खरबाव से कल्याण के निजी अस्पताल लाया गया। गुरु कल्याण के रहने वाले हैं, वे कल्याण से खरबाव जाते हैं। इसकी जानकारी शकील को पहले से ही थी। हमले के बाद शकील भाग गया था, मगर डोंबिवली GRP ने आरोपी शकील शेख को गिरफ्तार कर लिया है और मामला भी दर्ज किया गया है। मामले को लेकर भगवत गौरव प्रिंसिपल ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। सर, आपके साथ क्या घटना हुई और उसका कारण क्या है? मैं स्कूल से रेलवे स्टेशन बैठने चला था और बाद में वो पीछे से आया और अटैक कर दिया मेरे को और तुरंत निकल गया। बस क्यों मारा था, क्या था, कौन था वो? नहीं, वो हमारे स्कूल के टीचर है, उसके हस्बैंड था। किस बात को लेके उसने हमला किया, किस बात को लेके हमला किया? नहीं, वो हमला ऐसा, मैं बोला कि मेरा कोई गलती नहीं है, आप ऐसा ना मत करो, तो बोल रहे इंक्रीमेंट रोका है करके उनका आरोप है। पासबुक सर्विस बुक में लोन नहीं है और इंक्रीमेंट रोका है, ऐसा उनका? नहीं नहीं नहीं, इंक्रीमेंट कुछ नहीं रोका है उसका, फक्त सातवें वेतन आयोग का जो है पगार का उपचार मिला नहीं, इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर कम कर दिया।